हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार। स्वागत है आपका आपके चैनल वीके लर्निंग में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट हिंदी का सेकेंड शिफ्ट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, मेरे पास सेट कोड ऐप है। क्वेश्चन तो सबका सेम ही रहता है, सिर्फ सेट अलग अलग रहता है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू जन्म से डैश थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पागल। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशीलवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई को। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, अवन्यो जो है कविता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को शब्द को कहते हैं। तो कहते हैं प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के तीन भेद होते हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, 1912 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, परिमाण वाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा। दहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवन्यो किस देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ज्योतिर्मय उदाहरण है। तो क्वेश्चन है, ज्योतिर्मय उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डैश समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद समास। विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो इसका विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है, विद्या जोरालय, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान पर। नाखून प्रतीक है। तो जो नाखून प्रतीक है, जो ऑप्शन नंबर ए, पार्श्ववृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या डैश कहानी का केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स के विचारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो जो बिरजू महाराज का जो संबंध है, ऑप्शन नंबर सी, कथक नृत्य से। बहादुर का पूरा नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनवास। कहानी है। तो इसमें जो कहानी हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक है। तो जो नागरी लिपि पाठ का जो लेखक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुणाकर मूल्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है। तो जो अज्ञेय का जो पूरा नाम होगा, ऑप्शन नंबर डी, सचिदानंद हरिनंद वात्सल्य अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। तो बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाटी डैश कहानी का पात्र है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगर से। इबादत का अर्थ है। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, था ऑप्शन नंबर बी भी इसका आंसर हो सकता है, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा। हिंदी लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में।
शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है तो इसमें जो शुद्ध वाक्य जो लगता है इसमें से दोनों शुद्ध वाक्य लगता है। जैसे रोटी ताजी है तो रोटी स्त्रीलिंग है तो रोटी ताजी है, ये भी सही हो सकता है और इसका ऐसा डी भी हो सकता है, जैसे आज की ताजा खबर। इसमें से ज्यादा सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सावर दाइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखा से। 42 का जो आंसर होगा ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लिखों के लिपि को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी। ऑप्शन नंबर मतलब आंसर क्वेश्चन 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1891। जो क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था तो 1891 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वनाम के भेद है। देखिए दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। सर्वनाम के जो होता है 6 भेद होता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है गलत माना जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 4। जहाँ दोस्तों इसका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर हो सकता है, लेकिन सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे शब्द डैश लिपि के अंकित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अनुज शब्द का उपसर्ग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहां तक था क्लास 12 का सेकेंड शिफ्ट का हिंदी का 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो सभी अपना क्वेश्चन को आंसर की से मिलान कर सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कोई भी नया वीडियो लेकर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है जो कि आप कॉमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।